कालावड़ तालुका में मोटी भगेड़ी गाम नो कोजवे फरी एक बार पानी में गरकाव थई गयो छे। उपरवास में भारे वरसाद ने पगले नदियों बे कांठे वही रही छे, तेरे पानी ना भारे प्रवाहथी कोजवे तूटी गयो छे। जामनगर में भारे वरसाद ने लईने स्थानिक तंत्र एलर्ट मोड पर, एनडीआरएफ की टीमो स्टेन्ड बाय छे, तेरे एनडीआरएफ की टीमो तैनात करी देवामां आवी छे। પંથકમાં ભારે વરસાદને પગલે સ્થાનિક પ્રશાસન એલર્ટ મોડ પર જોવા મળી રહ્યું છે અને જે રીતે એનડીઆરએફની ટુકડી છે તેને પણ જામનગર તૈનાત કરવામાં આવી છે। જામનગરના સમરસ હોસ્ટેલ ખાતે હાલ જે એનડીઆરએફની ટુકડી છે તે અહીં તૈનાત કરવામાં આવી છે, સ્ટેન્ડ ટુ રાખવામાં આવી છે અને સુસજ્જ સાધનો સાથે એનડીઆરએફની ટીમને જો રાહત બચાવની કે રેસ્ક્યુની કામગીરી કરવી પડે તે સિચ્યુએશનમાં એક એનડીઆરએફની ટીમ જામનગર પ્રશાસન દ્વારા સમરસ હોસ્ટેલ ખાતે તૈનાત છે તે કરવામાં આવી છે। આપણે અહીં એનડીઆરએફ ટીમના ઇન્સ્પેક્ટર સૌરભ ધ્યાની સાથે વાત કરીશું, આપણી સાથે उपस्थित है। सर, एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ जामनगर पर तैनात करने के लिए आई है, कितने जवानों हैं और क्या परिस्थिति में एनडीआरएफ की टीम है और रेस्क्यू कर सकती है? हमारी शुक्रिया आपका। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं इंस्पेक्टर जीडी सौरभ ध्यानी, हम सेवन्थ एनडीआरएफ बठिंडा से आए हैं और जो हमारी सेवन्थ एनडीआरएफ है उस यूनिट से दो टीमें यहाँ पर डिप्लॉय हुई हैं, एक जामनगर में समरस हॉस्टल में और जो दूसरी हमारी टीम है वो मोरबी में है। उससे पहले वो जोड़िया में थी, जोड़े के बाद प्रशासन की अनुमति से उसको शिफ्ट किया गया जोड़िया में मोरबी में, तो एट प्रेजेंट अभी मोरबी में ही है। तो हमारी जो टीम की स्ट्रेंथ है टोटल 26 की है यहाँ पे और जो मोरबी की टीम है उनकी 25 की है। जो बताया गया उसमें कि अभी जो टीम है स्टैंड बाय मोड में ही रहेगी और आगे क्योंकि लो डिप्रेशन एरिया जो है बंगाल की तरफ भी हो रहा है और अरेबियन सी में भी लो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से तेज़ हवाएं और भारी वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है, इसलिए हमारी जो तैनाती अभी और बढ़ाई गई है यहाँ पर। बाकी सर, अभी जो यहाँ पे जामनगर पे एनडीआरएफ की जो टीम तैनात है उसमें क्या क्या साधन जो एनडीआरएफ के साथ में रहते हैं रेस्क्यू के लिए? देखिए, जैसे जो हमें यहाँ पे बुलाया गया था वो फ्लड का सिनेरियो था, बारिश इंसेसेंट रेन यहाँ पे चल रही थी, लगातार वर्षा जो अचानक हुई थी, बाकी उसके अनुरूप हमारे पास बोट तैयार रहती है और ओबीएम रहता है हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास और इक्विपमेंट रहते हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, आप हमारे पास जो कार्बाइड टिप चेंज करता है और हमारा रेसिप्रोकेटिंग सा है, इलेक्ट्रिक सा है और गैसोलीन है, बाकी चिपिंग हैमर है, बाकी माउंटिंग इक्विपमेंट भी रहता है हमारे पास। बाकी हम जो जब भी ऑपरेशन में जाते हैं ज़रूर ध्यान रखते हैं खुद की सेफ्टी और जिसकी हम जान बचा रहे हैं उसकी सेफ्टी, तो खुद रेस्क्यूअर की सेफ्टी और सामने वाले जिसकी हम जान बचा रहे हैं विक्टिम की उसकी सेफ्टी का बखूबी ध्यान रखा जाता है और इन सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेशन को कार्रवाई और उसको अंजाम देते हैं। शुक्रिया सर आपका। तो जी रीते एनडीआरएफ टीम ना इंस्पेक्टर द्वारा जो माहिती विस्तरण આપવામાં આવી અને એક એનડીઆરએફની ટીમને જામનગર સમરસ હોસ્ટેલ ખાતે હાલ તૈનાત કરવામાં આવે છે। 24 કલાક આ જવાનો છે કે જે રેસ્ક્યુ અને રાહત કામગીરી છે તે કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે જામનગર પ્રશાસન પર એલર્ટ મોડ પર છે અને જામનગરમાં જે રીતે ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે હાલ પ્રશાસન દ્વારા જે લોકોને પણ સતર્ક કરવામાં આવી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન રાહુલ જોશી સાથે સલમાન ખાન, મંતવ્ય ન્યૂઝ, જામનગર।